पता चला कि आलोक मेहता साहब दिल्ली में हैं और ही वॉज जस्ट अ कॉल अवे। और एक बार मैंने कहा कि आज मुझे बहुत संकोच हो रहा था कि मैं कैसे बताऊं कि इतने कम समय में, जब 2-3 घंटे बचे हुए हैं कि सर अगर आ सके तो ये एक हम लोगों की खुश नसीबी है, खुशकिस्मत भी है और यही समाजवादी रिवायत है कि इतने कम समय में किया पढ़ने के लिए। हमारे बीच अब मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व सहकारिता मंत्री, लोकसभा के पूर्व सदस्य और वर्तमान में उजियारपुर विधानसभा से विधानसभा मतलब कि विधायक जी। और सबसे उससे ही बड़ी बात हमारे लिए, हमारे लिए सब चीज़ों से बड़ी बात है कि वो हमारे JNU के कोर्ट के पूर्व सदस्य भी रहे हैं। जयंती समारोह माननीय नेता लालू प्रसाद की जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित इस परिचर्चा के सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे मित्र और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रत्याशी, JNU स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप में श्री जयंत जिज्ञासु जी, माननीय पूर्व सांसद राजवंशी बाबू, राजवंशी महतो जी, यहाँ पर उपस्थित सभी साथीगण, JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय से आए हुए साथीगण, JNU को मैं काफी नजदीक से हो जाती है और एक इंटरेक्शन वाला माहौल होता है, तो इसमें बोल कर चल जाने वाली बात नहीं होती है, तो सुनने और कहने जैसा माहौल जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो स्पष्ट नहीं होती है वो स्पष्ट हो जाती है। और इसी क्लैरिटी की वजह से हमारा आकर्षण आप लोगों से, आज लालू प्रसाद जी जेल की सलाखों से पूछे, यह विषय शोध का भी होना चाहिए और यह विषय इस विषय का मतलब इस बातों का विश्लेषण करते हैं और हमको एक पैकेज तैयार करना चाहिए कि हम कैसे लोगों को ये समझा सकते, यदि हम लालू प्रसाद को ठीक से समझ रहे हैं तो कि हम लोगों को समझा सके कि यह वह नहीं है जो दिखता है। लालू प्रसाद को दोषी बताकर जेल की सलाखों के पीछे रखना, पूरी जुडिशरी पर कब्जा करना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर कब्जा करना, रिजर्व बैंक का गवर्नर इस्तीफा दे रहा हो, ATM से पैसा समाप्त हो रहा हो और बैंक को देश में फर्जी GDP, नकली स्टैटिस्टिक्स दिखा दिखा कर और सट्टा बाजारियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से तमाम तरह के मैनिपुलेशन कर इस देश पर जो राज कर रहा है, क्या वह कंपिटेंट है? उसके कंपिटेंस को काबिलियत का क्या पैमाना है, क्या मानदंड है, कैसे आप समझें कि यह व्यक्ति काबिल है? क्या EVM में मैनिपुलेशन करके कोई चुनाव जीत जाए तो वो उसकी काबिलियत है, या फिर बहुत अधिक पैसा खर्च कर और ओपिनियन को मैनिपुलेट कर, चाहे वह एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से, या डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रजातंत्र के अंदर जो व्यवस्था है एक मैनिपुलेट करना,
यदि कोई व्यक्ति आज पोस्टर छापने की मनाही अप्रत्यक्ष रूप आपको फिर नहीं साफ तो आपको लोग जानेंगे कैसे कि आप कौन, आपकी अभिव्यक्ति 10 दिनों के अंदर और 12 दिनों के अंदर पॉपुलेशन के लोकसभा के अंदर किसी भी दूसरे माध्यम से संभव। आरक्षण एक बड़ा मसला था जिसकी लड़ाई सदियों से किसी न किसी रूप में होती आ रही है, लेकिन उस आरक्षण को जोर का झटका धीरे धीरे देकर इन बेईमानों ने काम भी तमाम कर दिया और लोगों को पता भी नहीं चलने दिया। और हम समाज को लोगों को देकर उन्होंने एक हिम्मत का काम, और उस समय हम लोग छोटे थे और हम लोग को बैकवर्डवा तो बोलने का जो तरीका था वो यही था, मुजफ्फरपुर जिला स्कूल का छात्र हुआ तो और दहशत का माहौल था। सब लोग जानते थे कि कर्पूरी जी की सरकार 2 साल 1 साल 10 महीना ऐसे ही चलती है, इसलिए हम लोग डरे हुए थे कि अस्थाई सरकार रहती है तो फिर माहौल बदलने लगता है। लालू प्रसाद जी आए, लालू प्रसाद जी ने इस आंदोलन को रूप देने का पूरा किया और यह मूर्त रूप जो उन्होंने दिया यह आज तक के जो आंदोलन हुए उसमें सबसे सफल आंदोलन। यह आंदोलन जो है मैं कह सकता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पेरियार, डॉक्टर जोशी, ये क्या है उनको भी नहीं मालूम होगा कि जय श्री राम मालूम जो मैंने दीज पीपल आर द मैन ऑफ अदर्स ओपिनियन और ओपिनियन फैलाने की मैं कह रही हूँ करने वाला आदमी है हर उस तरह की चीजों का मतलब ये सब रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच रहा। क्या करोगे तो लोगों पर क्या साइकोलॉजिकल यहां से बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, यहां से बड़े जेएनयू और डीयू से बड़े लोग बाहर नहीं है, इसमें भी कार्य करें यहां पर वो एक प्रशांत किशोर को और उस तरह के लोगों को हायर करेगा, अमेरिका के इलेक्शन का कौन एक ये कंसल्टेंट था उसको हायर करेगा और यहाँ पर वैसे वैसे हजार की संख्या में कहने का मतलब आप लोग वो टीम वर्क कीजिए, आप लोग ओरिजिनेट कीजिए, आप आने वाले दिनों के लीडरशिप आप लोग बड़ी सत्ता में लीडरशिप में आप लोग बड़ी भूमिका हो ऐसी हमारी इच्छा है। और ये सारे करप्ट किए जा चुके वैल्यू सिस्टम को फिर से रेस्टोर कर जेनी जैसी संस्था को कमर्शियलाइज करने की कोशिश, ये तमाम ऐसी चीजें हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी लेलिनग्राद राजवंशी बाबू का जिला लेलिनग्राद कहा जाता है, लेलिनग्राद
मास्को उसको बोलते हैं लेकिन लेनिन ग्राद एक में लिखा। हम बता रहे थे बोले ये सारी चीजें कहाँ चली, कोई मैंने हम जीत रहे हैं तो जात के नाम पर हमको भूल देंगे। आज छुटका लोग कौन से नाम पर देगा, पार्टी के नाम। आप जब हार रहे हैं तो आप दे दीजिए बीजेपी, इसको हम बजा के रखते हैं कि सीपीआई में ही वोट दे ताकि उधर आरजेडी का वोट करे। दिस इज व्हाट इज द मतलब ये प्रिंसिपल और एथिक्स की बात समाप्त। चुनाव जीतने की टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स पे अब इनोवेशन हो रहा है लेकिन हमको दोनों पर इनोवेशन। हम बहुमत रहते हुए ना हारे इसलिए हमको कुछ टेक्निक और टेक्नोलॉजी पर भी विचार करना, लेकिन दूसरी तरफ एथिक्स से और अपने विचारों से और आने वाले दिनों के खतरों से अवेयर ऑफ कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कह रहे कि इतना रिजर्वेशन 50% हल्ला होता है, उसी पर हाय तोबा मचता रहा, लेकिन आज जो सरकारी नौकरी में जितने लोग हैं उनकी गणना कर लीजिए कितने परसेंट लोग हैं, तो आखिर बाकी लोग कहाँ गए? मैंने आदमी नहीं मिला था, कैंडिडेट नहीं मिला था, सब जगह रिप्रेशन। बिहार में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का मसला था, मैं मंत्री था और मैंने अंतिम हद तक आरक्षण के संदर्भ में लड़ाई की। चार चार कोर्ट से मिली हुई डिग्री को ओवरलैप करते हुए एक हाई कोर्ट की डिग्री के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ने वो काम कर दिया जिससे कि आपको करीब करीब 100 बच्चों का जो पिछले दलित समाज के लोग अच्छा क्या बात है, एक्सक्यूशन लेवल पर जो बैठा हुआ है उसमें आप चुनाव से थोड़े आइएगा, उसमें तो आना होगा उधर से। आजकल तो स्थिति यह है कि मैनिपुलेशन का जो पॉइंट सब है वो इतना डेयर डेविल सब है ना, क्यों किसी मंत्री की भी बात सुनने से इनकार करता है। अभी थोड़ी देर के लिए दब जाए लेकिन वो मंत्री जी चुनाव में चल जाए तो फिर अपने हिसाब से करता है। और ये हर स्तर पर पैसे का भ्रष्टाचार का बोलबाला, पैसा दो सब छुटका छुटका जो कंपटीशन है सब में लगता है कि उधर कंपटीशन देता है, उधर से पहले फाइनल फोटो लगा दो, पिलर बदल दो, उधर बदल दो, यही सब चल रहा है। और एक को हम पकड़ के जेल में डाल देते हैं, बड़ा भारी गैंग को हम पकड़ लिया अंदर अंदर सब चल रहा है। ये तमाम चीजें हैं, हम आप लोगों से बड़ी अपेक्षा है ऐसे समय में जब लालू प्रसाद जी जेल में, तेजस्वी प्रसाद यादव ने काफी मेहनत की इस चुनाव और मतलब 236 मीटिंग उस नौजवान ने एड्रेस, मैं समझता हूँ कि मैं करीब करीब 50 मीटिंग में उनके साथ 50 ले जाते 70-75 मीटिंग में, हाँ 18 दिन तक मैं लगातार साथ था। उसके बाद मेरे पुत्र का चुनाव आया तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं कई जगह 4-5-7-10 क्षेत्र में मैं ऐसे भी गया। लेकिन यह बात सही है, मैं पता नहीं तेज प्रताप तेजस्वी जी मैंने फ्लो में वो बात भूल गए, लेकिन मैं उस बात के प्रति काफ़ी गंभीर हूँ। जो गैप पिछले दलित अल्पसंख्यक उन लोगों के बीच एक सॉलिडरिटी जो होनी चाहिए, उस सॉलिडरिटी कैसे पैदा करें, वैसे कैसे हम कॉमन इंटरेस्ट पॉइंट डेवलप करके उसको इंटरसाइज करें, ये आपके रिसर्च कर सके का एक हिस्सा होना चाहिए। और मेथोडोलॉजी भी हम लोग तो आपको बता रहे हैं कि जो नेटवर्किंग, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से ऐसे सिस्टम से जो कैडर कहता है अपने आप को और जहर बांट रहा हो उससे मुकाबला करने के लिए हमको भी कैडर लेवल पर जाना है। कैडर लेवल हमारा उस तरह का नहीं हो सकता, हमारा कैडर लेवल इसी तरह से होगा कि मतलब हम बहुत बड़ी संख्या है
उनके पास बूथ पर 10-12 लोग होंगे, हमारे पास बूथ पर 200-200 लोग, तो हम इतना जरूर करें कि उसमें से 20 लोग अपने जरूर बताए, 700-800 बूथ पर वोट 20 लोग ऐसे हैं जिसमें कोई जाति न थी, इंक्लूसिवनेस, सबको ये महसूस हो कि आई पार्टिसिपेट, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन को जगा दी, तो सो गया, नहीं तो कहीं ना कहीं कुंठित हो। और मैं आपको जिज्ञासु जी, ये बहुत स्पष्ट रूप से कुछ बातें होती हैं, कुछ रिजल्ट भी अच्छा, बहुसंख्यकवाद के खिलाफ भी एक विरोध कहीं ना कहीं से निकल रहा, जिसकी संख्या ज्यादा है उसके जो कार्यकर्ता है वो देहा थोड़ा ज्यादा फुला, धक्का धुक्की थोड़ा ज्यादा देते हैं, इसका भी असर प्राप्त हो। इन चीजों पर नियंत्रण कैसे हो, इन चीजों को भी हमको इसमें एड्रेस करना, और हमको यह एड्रेस करना होगा कि हमारा जो हायरार्की, उस हायरार्की में कितने प्रतिशत लोग, यदि पार्टिसिपेशन की बात है तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबका पार्टिसिपेशन, तो जिसको 0.2% भी पॉपुलेशन है उसका भी हिस्सा कहीं नहीं, हमें ना पार्टिसिपेशन, तभी हम उन लोगों से अलग हो, और तभी हमको लगेगा कि नहीं सॉलिडरिटी का एक अच्छा अप्रोच नहीं हो सकता। तो आज के इस अवसर पर हम अपने नेता माननीय लालू प्रसाद जी को ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों की तरफ से भी और अपनी ओर से भी हम देते हैं, और हम उनके स्वस्थ और सक्रिय राजनीतिक जीवन की कामना करते हैं, और ऐसे अवसर पर उनके किए गए जो भी प्रयास रहे उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, हमारा समाज, हमारे नौजवान जो आज आगे हैं, हम कम से कम इतना भीड़ में बैठ के बोलने के लिए मतलब मुखर है और बात कर रहे हैं, तो फिर समझे कि उसमें कहीं ना कहीं उनकी हिस्सेदारी, यदि वो एरा नहीं होता, वो एरा नहीं होता तो शायद हम लोग इस तरह से नहीं होता। एक बात मैं शायद भूल जाऊंगा जो मैं कई मंत्री को बोलता कि हमने और वामपंथियों एथिक्स लेवल पे एक बड़ा डिफरेंस है कि वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की एडवोकेसी करते हैं और हम सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण। मेरा एक बात, मेरी बात, ऐसा हो सकता है सब लोग सहमत हो ना हो, लेकिन अपनी बात मैं रखना चाहता हूँ कि एक खाक पति व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दे, वो करोड़पति बन गया, आर्थिक उन्नयन का सीधा सीधा उतना पैसा दे दीजिए, लेकिन एक दलित महादलित, एक रविदास को 10 करोड़ रुपया दे दीजिए ब्राह्मण ने, इसीलिए जाति आधार पर जिसके साथ अन्याय हुआ न्याय उसी के साथ, तभी वो बराबरी में आ गई, यदि जिसके साथ नहीं भी हुआ उसको भी मिलता रहेगा तो डिफरेंस हमेशा बना रहेगा, इसको न्याय दीजिए और बराबर मिलाइए उसके आधार। दिस इज व्हाट इज सोशल जस्टिस। वो सांप्रदायिक तनाव फैलाते हैं, भावना फैलाते हैं, तो वो राष्ट्रवाद, और हम यदि सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ये जातिवाद। इस चीज को हमारे लोगों को समझना, और आम लोगों में ये भावना कि मीडिया के माध्यम से हम एक और राय देना चाहते हैं कि हमारे साथियों से कि मीडिया में भी जाने का प्रयास, हमारे लोग खाली इंजीनियर डॉक्टर IAS इतने में पड़े रहते हैं, लेकिन मीडिया एक ऐसा फील्ड जो आने वाले दिनों में मैंने इसको भी अच्छा है, मैंने ये नहीं कह सकते क्योंकि पैकेज आजकल कोई कम मिल रहा, लेकिन हमारे लोगों का मोटिवेशन जब तक शुरू से नहीं होता प्लस टू लेवल से कि हमको पत्रकारिता करनी,
तो लगता है कि जैसे कुछ नहीं मिलेगा तो राजनीति करना है, नहीं तो पत्रकारिता करना। अब ये कंसेप्ट को मतलब ये जो एक ये है बातें जो दिमाग में है इसको हटानी चाहिए और शुरू से ही इसके लिए तैयार करना चाहिए। अब तब हमारा स्पोक्समैनशिप मीडिया में बढ़ेगा। आपको बता दें कि अभी यदि उनके पास देश का 600 मीडिया चैनल है जो उसके समर्थन, लेकिन हमारा 10-15 भी होता ना तो हम उसको उठा लेते। तो इसको थोड़ा कि हमारी, और इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ आना इसलिए पसंद करता हूँ कि लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ अपने दिल की बात, वो मोदी जी वाले भी आपस मतलब सुनता भी हूँ क्यूबे प्रकेश है ना ये, और मुझे लगता है कि मैं सही जगह पर कुछ बातें जहाँ से कुछ निकल सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग, आप लोगों को बुलाया ये हमारे लिए सम्मान की बात है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप बार बार हमको याद करते रहते हैं। पहली बार जगदेव बाबू की जयंती आपने मनाई, आपने हमें बुलाया और हम बहुत अच्छा लगा कि आपने जगदेव बाबू को जेएनयू तक पहुँचाया। और जो इतिहास लेखन ये सब चीज हमारे लोग कम कर रहे हैं, मैंने हमारा भी बायोग्राफी दूसरे लोगों में कह रहे हैं कि कुछ सब शुरू की आप लोग तो मैंने पढ़ते हुए भी कुछ कर सकते हैं, ये सब चीज ये सब तो आपका फील्ड है, तो अपने रिसर्च का हिस्सा बना लीजिए उसको, लेकिन कीजिए कुछ जाए लोगों तक जाए, ये सब जाम हो चुका है, ये सिर्फ लोगों को टीवी दिखाना चाहते। हमारा लिटरेचर जो प्रेमी प्रेमी की बात कर रहे हैं दो घंटे का, दो घंटे से कितनी ही बात जो हम बोल रहे हैं या फिर आप जो निकालेंगे जो जिस्ट कैसे बताए, दो घंटे का आप लोगों में से हम कई लोगों को बुलाएंगे कि अपनी बात रखें और उसका पूरा लिटरेचर पहले से तैयार हो, फिल्म तैयार हो, ये हम चाहते बड़े स्क्रीन पर कराने की जरूरत है। उसी का प्रभाव आज कल पड़ता है, हमारे लोग बैठ के उसको समझे दिमाग में घुसे, इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए यदि हम प्रखंड स्तर पर 500 लोग यदि ठीक से उसको आपके द्वारा तैयार किए गए उस पैकेज से रूबरू हो गए और समझ गए तो हम समझते हैं कि प्रखंड मेरा भूल, हम उस तरह से विकेंद्रीकृत रूप से काम करें। और मैं ऋषि जी आपको बता देना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद जी ये आंदोलन उन्होंने रमई राम को एक मंदिर का पुजारी बना दिया, उन्होंने दिखाई कर दिया। इतिहास की पहली घटना है कि एक महादलित को मंदिर का सरकारी स्तर पर पार्ट नोटिफिकेशन कर दिएगा किया गया पुजारी, तो ये रिवोल्यूशन नहीं तो और क्या। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जगदेव बाबू ने जब कहा था कि इस साल के भादो में गोरी कलैया कादो में, आप समझ जाइए कि सिंबॉलिक जुमले पर उनकी हत्या हुई थी। क्यों? इसलिए कि जिन लोगों के लिए उन्होंने कहा था वो लोग सो गए, और जिन लोगों के खिलाफ कहा था वो इतना जागे हुए थे कि उन्होंने अंजाम से। लालू प्रसाद यदि वो सब ना किए होते ये सब कहीं मामले नहीं थे, कोई मामला नहीं। तो ये सारी चीजें इन चीजों का हिस्सा है। लोग आपके साथ, कुछ लोग डर के नहीं सपना चाहते कि कहीं वो लोग ये ना कर दे, और कुछ लोग जागरूक नहीं होने की वजह से, कुछ लोग वैसे विचार जो आते हैं एथिक्स और मैनर्स सॉरी मतलब अपना एटिकेट और मैनर को प्राथमिकता देने वाले लोगों मैंने एलिट बनने की जो कोशिश है ना उसको अपने आप में के साथ जोड़कर ग्लोरीफाई करने वाले पिछड़े दलित समाज के वो लोग भी उनके साथ हो जाते हैं, तो वो इसलिए भी साथ हो जाते होंगे, उनको लगता होगा कि इन्हीं का बोल रहा है काम निकालो टाइप, वो कोई पॉलिटिकल लोग हैं। तो हम लोग को इन तमाम चीजों को
लेकिन माहौल बनाने के लिए जब शुरू होंगे तो हम समझते हैं कि वो सारे लोग सिमट जाएंगे और सारे लोगों में हम गंभीरता से